नासदासिन्नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। सन 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। बहादुरी और रुमानियत के वतन चित्तौड़ में पहले जैसा हौसला था, लेकिन उनके फौजी तरीके बेकार और पुराने हो चुके थे। इसीलिए अलाउद्दीन की मुस्तैद सेना ने उन्हें कुचल डाला और चित्तौड़ को लूट लिया। मलिक मोहम्मद जायसी के सूफी रूपक काव्य पद्मावत के एक भाग में इस चढ़ाई का मार्मिक वर्णन है। लोक कथाओं में मशहूर है कि अलाउद्दीन ने राणा रतन सेन की रानी पद्मावती पर मोहित होकर चित्तौड़ पर चढ़ाई की। पद्मावत की ये गाथा सामंतवादी दौर की परंपराओं की एक दिलचस्प मिसाल है, जिसमें नैतिक उपदेश ऐतिहासिक सच्चाई से ज्यादा महत्व रखता है। सुना एक दिन रतन सेन ने नारी एक बसे सिंहल में, कहते उसको पद्मावती, धरती पर जू उतरी रती, अरे धरती पर जू उतरी रती। राजा पहुंचा सिमर नगरी, आया लेकर छवि गगरी, जिसने देखा बहुत सराया, मन में एक ही भाव समाया, पद्मावती सम कोई नहीं है, उसके सम तो एक वही है, पद्मावती सम कोई नहीं, उसके सम तो एक वही है। महाराज, कल आप और हम ब्रह्म में पड़ गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी। सच बात तो यह कि दूज आज है, कल नहीं थी, जैसा कि राघव चेतन कह रहे थे। आप चाहें तो आकर दर्शन कर लें। महाराज, राजपुरोहित सही कहते हैं, दूज आज ही है। राघव चेतन, हम क्या सुन रहे हैं? कल जो हमने देखा वो दूज का चांद नहीं था तो क्या था? सच क्या है, जवाब दीजिए। क्षमा करें कृपा निधान, राघव चेतन तांत्रिक है, इसके अलावा वो कामरूप का इंद्रजाल भी जानते हैं। कल उन्होंने चमत्कार दिखाकर अमावस की रात में दूज का चांद हाजिर कर दिया था। ग्रहों को कष्ट देने से अनर्थ होगा महाराज। महाराज, भूल से मुंह से निकल गया, वो थोड़ी देर का मनोविनोद था। मनोविनोद था महाराज, जो अमावस को दूज बना सकता है वो राहु को बीच में लाकर किसी दिन चंद्र ग्रहण भी करवा सकता है। महाराज, बुद्धिमान वो है जो अनिष्ट से 10 हाथ दूर रहे। आपके दरबार में श्रेष्ठ पंडितों के लिए स्थान है, सोने से मढ़े हुए पीतल के लिए नहीं। महाराज, पंडित का भेष बनाकर ठगी करने वाले बहरूपिये को प्राण दंड दिया जाए। राघव चेतन विद्वान है, 14 विद्याओं के जानकार हैं, लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग
धोखाधड़ी के लिए करते हैं। हमारा आदेश है कि इन्हें चित्तौड़ की सीमा से बाहर कर दिया जाए। पद्मावती ने जब ये जाना हुई प्रबल चिंताएं नाना, पद्मावती ने ये जाना, पद्मावती ने ये जाना, इसको देखकर देश निकाला, राजा ने संकट ही पाला, अच्छा होगा उसे बुला लूं, दान दक्षिणा देके मना लूं, ब्राह्मण अगर दक्षिणा पाए सौ सौ कोस दौड़ कर जाए, सौ सौ कोस दौड़ कर जाए। पंडित जी, महाराज की बातें महाराज ही जाने, पर मुझे आपकी विद्या पे विश्वास है। मेरी शनि की दशा चल रही है और उसके प्रभाव से आप ही मुझे बचा सकते हैं। कुछ ऐसा मंत्र तंत्र कीजिए कि हमारे लिए खतरा ना हो। आपकी दक्षिणा मैं अभी वेट कर रही हूँ। राघव को कंगन तो भाया, पर अपमान भूल नहीं पाया, सोचा रतन सेन का गर्व हरूंगा, चितूर को मैं नष्ट करूंगा, चितूर को मैं नष्ट करूंगा। अलाउद्दीन सुल्तान जहां पर, वो दिल्ली हो अब मेरा घर, वो दिल्ली हो अब मेरा घर, वो दिल्ली हो अब मेरा घर। सदा छत्र सुख छा पाओ, दूधो नहाओ पूतो फलो। कहां से आते हो फकीर, किस सिमत में जाना है? हम तो रमते राम है सुल्तान, रुके तो रुक गए, चले तो चल दिए, आपका नाम सुना तो आपकी ओर बढ़ गए। फिर भी कोई ठिकाना तो होगा। है, पेड़ों की छाह तले पत्थर की गद्दी पर। पेड़ों की छाह तले पत्थर की गद्दी पर बैठने वाला फकीर बांह में बेशकीमती कंगन नहीं पहनता, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। कौन हो तुम, किस मकसद से यहां दाखिल हुए हो? दुर्भाग्य का मारा हुआ हूं सुल्तान, मैं राघव चेतन हूं। कभी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन का राज पंडित हुआ करता था, लेकिन आजकल दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। रतन सेन ने मुझे बिला वजह देश निकाला दे दिया, मैं हुजूर की शरण में आया हूं। कैसा है राजा रतन सेन? नाम का रतन है सुल्तान, वैसे ठीकरे से बदतर है, खुशामदियों से घिरा रहता है, पर बहादुर ऐसा कि उसकी तलवार कभी उसके म्यान से बाहर ही नहीं निकलती। बेहिसाब दौलत का मालिक है और अय्याश ऐसा कि अपने अंतःपुर से कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहता। वो राजा नहीं, राजा के नाम पर लगाए कलंक है। निकाले गए हो इसलिए अपने मालिक को जलील कर रहे हो, जमीर फरोश दिखते हो। बहरहाल हमारी दिल्ली में कैसे आना हुआ? चित्तौड़ पर चढ़ाई करें हुजूर और जुल्मी रतन सेन का खात्मा कर दें, वहां आपको एक से बढ़कर एक नायाब चीजें हासिल होंगी। और सबसे बड़ी चीज रतन सेन की रानी पद्मावती। बहुत नासमझ लगते हो पद्मावती। अरे अगर हमारी 1600 बेगमों में से किसी एक की लौंडी को भी देख लोगे तो नमक की महानिंद पिघल जाओगे। पद्मावती। हे सुल्तान कभी ना देखी रे, सुल्तान कभी ना देखी तुमने पद्मावती सरी की है सुल्तान। हे सुल्तान कभी ना देखी रे, सुल्तान कभी ना देखी तुमने पद्मावती सरी की है सुल्तान। नयन की जिसके जहर की बाती, नयन की जहर
अधर दशन जो हीरा, माणिक दशन अधर जो हीरा, मुख जैसे नौरंगी रपीड़ा है सुल्तान। पद्मावती ऐसी सुकुमारी रे पद्मावती ऐसी सुकुमारी, फूले फूल वो पीर यो भारी है सुल्तान। शैया पर पंखुरी बिछवाती, तब उसको टुक नींद है आती है सुल्तान। हे सुल्तान कभी ना देखी रे, सुल्तान कभी ना देखी रे, तुमने पद्मावती सरीखी है परी। अगर ना पाई ऐसी परी, अगर ना पाई नाक तूने उम्र गवाई रहे सुल्तान। हे सुल्तान कभी ना देखी रे, तूने पद्मावती सरी की है सुल्तान। और सुल्तान मारी बाता सुनो, ए रतन सेन के पास है पांच रतन अनमोल, जो पाए तो समझ लो वो इस्कंदर तोल। हेरे हो सुल्तान। पांच रतन? हाँ हुजूर, एक अनमोल हंस जो मोती चुगता है और निर्मल वचन बोलता है, और दूसरा वो नग जिसमें अमृत बसा है, और तीसरा लोहे को सोने में बदल देने वाला वो पारस पत्थर, और चौथा है वो शार्दुल शिकारी जिसकी गंध पाते ही हाथियों के झुंड प्राण बचाने को भागते हैं, और पांचवा है लागना नामक शाही चिड़िया जिसके पंजे परिंदों और चरिंदों को यूं समेट लेते हैं। तुम बहुत काम के आदमी हो राघव चेतन, हम रतन सेन से तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेंगे, उसे हराकर तुम्हें चित्तौड़ की गद्दी पर बिठा देंगे, मगर फिलहाल तुम हमारे मेहमान बनकर यहीं रहो। सरजा बहादुर को पैगाम दो कि हमने याद किया है। तुम्हारे सुल्तान को शर्म नहीं आती इसी बेहुदा मांग करते हुए? लिखता है कि रानी पद्मावती को मेरे हवाले कर दो। महारानी पद्मावती हमारी धर्मपत्नी है और चित्तौड़ की राजलक्ष्मी, उनका अपमान करने वाले को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। समझता क्या है अलाउद्दीन अपने आप को? महाराज, आप सुल्तान को, सुल्तान के गुस्से को, सुल्तान की ताकत को नहीं जानते। आपके हक में यही बेहतर होगा कि आप सुल्तान की मांग को मंजूर कर लें। अगर नहीं मंजूर करेंगे तो उसका जो नतीजा होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हम गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है दूत, हमारी भुजाओं में बल है और तलवार में पानी। जाकर कह दो अपने नापाक यादों वाले सुल्तान से कि अगर उसने चित्तौड़ की तरफ नजर उठाकर देखा भी तो हम उसकी हस्ती मिटा देंगे। महाराज, कहना आसान होता है, कर दिखाना नामुमकिन। सुल्तान अगर फूंक भी मार दे तो आपका चित्तौड़गढ़ ढह जाएगा और आपकी फौजें पानी में तिनके की तरह बह जाएंगी। हमारा चित्तौड़ कागज का नहीं बना है सरजा, तो उसका एक एक पत्थर हमारे संकल्प की तरह दृढ़ है और उसका एक एक सिपाही यमराज से भिड़ने को तैयार। तो आप नाहक जान देने पर आमादा हैं? जाकर कह दो अपने यवन से कि अगर हमारी लाश पर पांव रखकर भी उसने चित्तौड़ में घुसने की हिम्मत की तो महारानी का नाखून तक नहीं देख पाएगा। आपकी मर्जी महाराज, मगर आप खुद न्योता दे रहे हैं अपनी मौत को, चित्तौड़ की तबाही को, कुल बर्बादी को। महाराज, अब आपसे मुलाकात होगी मैदान जंग में। अवश्य सरजा, लेकिन ध्यान रहे अपने बीवी बच्चों से अलविदा कहकर आना। तो यह बात है सरजा, किस बात का गरूर है उस नाचीज को? हम रतन सेन को मिट्टी में मिला देंगे। वो मौत चाहता है, हम उसे मौत देंगे। पद्मावती हमारी है, हम उसे दिल्ली के किले में लाकर रहेंगे। सरजा बहादुर, हमारा हुक्म है कि हमारी फौजें चित्तौड़ की तरफ कूच करें।
हम रतन सेन को वही सबक सिखाएंगे जो रणथंभौर के राजा को सिखा चुके हैं। लपटें उठेंगी, खाक उड़ेगी, लोग जानेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मुखालफत करने का अंजाम क्या होता है। बादशाह की फौज चली जब डोली धरती गगन कपा तब डोली धरती गगन कपा तब बादशाह की फौज चली जब हाथी चले में गगर जाने लगा अंधेरा चौदिस छा हे चुन चुन कर लाए वो घोड़े चुन चुन कर लाए वो घोड़े हवा पिछड़ती ऐसे दौड़े पैदल कवच टोप पहने थे मनुज नहीं फौलाद बने थे रे बादशाह की फौज चली जब रे बादशाह की फौज चली जब शूरवीर के छक्के छुट्टे अच्छे अच्छों के दम है गुट्टे ऐसी बद्र फौज चली जब चितौर नगरी सकल गिरी तब बादशाह की फौज चली जब अरे बादशाह की फौज चली जब हेरे रतन सेन के वीर सिपाही रे रतन सेन के वीर सिपाही रे लड़े खूब पर विजय न पाई राजा गिरा कोट के भीतर हे राजा गिरा कोट के भीतर फिर भी हार न मानी पलभर बादशाह की फौज चली जब हरे बादशाह की फौज चली जब सजर बादशाह की फौज चली जब हम बादशाह की फौज चली जब हरे बादशाह। महाराज सुल्तान की फौज नगर में प्रवेश कर चुकी है और गढ़ की दीवारें ढह रही हैं। तीर ओलों की तरह बरस रहे हैं, एक एक करके हमारे वीर सैनिक वीर गति पा रहे हैं। भुजाओं की शक्ति झुक गई है, मनोबल टूट रहा है। इस समय शक्ति से अधिक युक्ति काम कर सकती है। सेनापति, हम रणचंडी को खुश करने के लिए नृत्य गान कराएंगे, यही इसी जगह। I'm
महाराज, हमारे अनगिनत सैनिक मारे गए, सारे हथियार बेकार साबित हुए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, विजय की आशा दूर होती जा रही है। सुल्तान ने हमारे गढ़ को चारों ओर से बांध लिया है और हम सब ओर से घिर गए हैं। अब हमारी हार पक्की है, जीतना तो एक ओर, सुरक्षा का भी हमारे कोई उपाय नहीं रहा। महाराज, अब तो सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है। विजय का निरत गीत तो हम गा चुके, अब तो लहू से भाग खेलकर होली जलानी है। आपकी सलाह वीरोचित है। कल हम सर में धूल डालकर साका करेंगे। हुजूर, मंगोलों ने जो पहले पीठ दिखाकर भागे थे, अब आंख दिखाकर चढ़ाई शुरू कर दी है। हमारी चौकियों को जीतकर दिल्ली को घेर लिया है। हुजूर, अगर हमारी फौजें फौरन दिल्ली की तरफ कूच ना करें तो दिल्ली भी हमारे हाथ से जाती रहेगी। तुम जा सकते हो। सरजा, हमने चित्तौड़ में बहुत वक्त गंवा दिया है। हालात को देखते हुए हमें फौरन दिल्ली लौटना होगा। हमें रंज इस बात का है कि ना तो हमने चित्तौड़ के किले पर फतेह हासिल की और ना रानी पद्मावती को पा सके। क्या हमें खाली हाथ लौटना होगा? ये हमारी शिकस्त होगी। कमबख्त मंगोल! सुल्तान, अगर इजाजत दें तो अर्ज करूं। बोलिए। क्यों ना हम रतन सेन से सुलह कर लें? सुलह उस डरपोक से? मुस्ताखी माफ हजूर, यह सुलह तो रतन सेन को गाफिल करने के खातिर होगी। वो बेखबर रहेगा और हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उस हालत में रानी पद्मावती बगैर लड़ाई के हमारे हाथ लग जाए। सरजा, तुम हमें फरेब का खेल खेलने की नसीहत दे रहे हो। लड़ाई जीतने के लिए होती है हजूर। ठीक है, तो क्या हम पद्मावती का दीदार भी नहीं कर पाएंगे? अगर चाल चल निकली तो चित्तौड़ हजूर के कदमों में होगा और रतन सेन की रानी बाहों। महाराज, सुल्तान ने आपको पिंजरे में कैद चिड़िया तो बना ही दिया है, उन्हें अब आपकी गर्दन मरोड़ने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अब आपको सोचना चाहिए कि आप अपनी प्रजा की मौत का बायस बनना चाहेंगे या सुल्तान से माफी मांगकर अपने साथ सबकी भलाई करना चाहेंगे। सुने तो सही, आपकी सलाह क्या है? महाराज, सुल्तान से सुलह कर लें। किस शर्त पर? महाराज के पास जो 5 अनमोल रत्न हैं, वो सुल्तान को नजर कर दें। थोड़ी देर के लिए मान लिया, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है महाराज कि रानी पद्मावती के दर्शन एक बार सुल्तान को। हरगिज नहीं। हमें लड़ाई में कट मरना मंजूर है, लेकिन यह शर्त मंजूर नहीं। हमारी महिलाएं प्रदर्शन की चीज नहीं है। महाराज, अगर आप चाहें तो यह मुमकिन है। हम यह तो नहीं कहते कि रानी बेपर्दा होकर सुल्तान के सामने आए। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि महारानी पोशीदा तौर पर दिख भर जाएं। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं चाहते। ऐसा किया जा सकता है महाराज, इससे बात भी बन जाएगी और हमारे सम्मान को आंच भी नहीं आएगी। आंच भी नहीं आएगी या वो जलकर भस्म हो जाएगा? क्षमा करें महाराज, लेकिन जब सब कुछ लुट रहा हो तो एक चौथाई को बचा लेने में ही बुद्धिमानी है। फिर आप जैसी आज्ञा दें। सरजा, हमें तुम्हारे सुल्तान की शर्त मंजूर है और हम उन्हें गढ़ में पधारने का न्योता देते हैं। महाराज की दूरंदेशी काबिले तारीफ है। हमें खुशी है कि आपके और सुल्तान के अंदर कोई रंजिश नहीं रहेगी। सुल्तान घोड़ा पिट रहा है, बचाइए।
हम भी आपके गढ़ में घुस गए हैं। लीजिए, सुल्तान की खिदमत में बीड़ा पेश किया जाए। महाराज, हम आपकी बेढ़ी चाल की दाद देते हैं। लीजिए, घोड़ा भी लीजिए। अब हमारे ऊंट की तिरछी नजर खुद बादशाह सलामत पर है। हाँ, पद्मावती धवल गढ़ चढ़ी, सोला कला विधि ने गढ़ी, हंसी झरोखे आई सुरेखा, तभी शाह ने दर्पण देखा, तभी शाह ने दर्पण देखा, तभी शाह ने दर्पण देखा, दर्श परस का ऐसा टोना, धरती स्वर्ग हुए सब सोना, लगा कि देखा सूरज दोपहर, अंधियारा छाया पलकों पर, लगा कांपने बादशाह थर थर, गिरा जमी पर मूर्छित होकर, गिरा जमी पर मूर्छित होकर, गिरा जमी पर मूर्छित होकर, रस पीऊंगा फूल का करता निश्चय, सच है कामातुर के हृदय बसे न भय न लाज, हो रस पीऊंगा फूल का करता निश्चय आज, सच है कामातुर के हृदय बसे न भय न लाज, सच है कामातुर के हृदय बसे न भय न लाज, सच है कामातुर के हृदय बसे न भय न लाज। महाराज, आपने तो किले के भीतर पूरा शहर बसाया हुआ, ताल ताला, बाग बगीचे, लगता है जैसे बहिष्ट में आ गए हों, यहाँ से जाने को मन ही नहीं हो रहा। बहुत खूब, बहुत खूब, आपकी जरा नवाजी है सुल्तान। हाँ, इतना लजीज खाना हमने आज तक नहीं खाया, मन करता है आपके बावर्ची को चुरा कर ले जाएं। आप ही का है वो। हमें आपकी दोस्ती पर नाज है, आप चित्तौड़ को संभालें, चित्तौड़ आपका है, आप ही का रहेगा, बल्कि तोहफे में हम आपको मांडोगढ़ और चंदेरी भी देते हैं। क्या है ये? रतन सेन, अब तुम किले के अंदर नहीं जा सकते, हम तुम्हें दिल्ली ले जा रहे हैं। ये विश्वासघात है, सरासर बेईमानी है। सांप को धोखे से पकड़ा जाता है और दुश्मन सांप से कम नहीं होता। चलिए चलिए। पद्मावती बिना कंता दुहेली, बिन जल सूखे कमल की बे, गहरी प्रीत सो मुझको
शरण बुर्ज नदी तालाब, बुर्ज नदी तालाब, बुर्ज नदी तालाब। हुजूर, आज 4 महीने गुजर गए। हमने रतन सेन को समझाया, डराया, धमकाया, तरह तरह से सताया, मगर वो इस बात के लिए राजी ही नहीं होता कि रुक्का भेजकर अपनी रानी को यहां बुला ले। कुछ समझ में नहीं आता। चित्तौड़ की क्या खबर है? रानी पद्मावती तो बेहिसाब खैरात कर रही है। उसने सदा बरत खुलवा दिए हैं, जहां सैकड़ों हजारों को मुफ्त में खाना बढ़ता है। वो तो जोगन हो गई है सुल्तान, मगर उसके जासूस चारों तरफ ये पता लगाने के लिए घूम रहे हैं कि रतन सेन को कहां रखा है। एक जासूस तो पकड़ा भी गया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, ये लो। हुजूर की कृपा है। अगर तुम हमारा एक काम करोगी तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। दासी की जान हाजिर है सुल्तान। बहुत खूब। तुम्हें चित्तौड़ जाना होगा, रानी पद्मावती से मिलना होगा, उसे फुसलावा देकर यहां लाना होगा, और यह सब तुम्हें जोगन बनकर करना होगा। कर पाओगी? हुजूर की दया बनी रहे, मैं जान लड़ा दूंगी। महारानी, एक जोगन आई है, ना कुछ बोलती है ना कुछ कहती है, बस आंसू बहा रही है। जा बुला ला। आओ बहन, बैठो। ये कच्ची उम्र और ऐसा कठोर भरत, देह और जवानी आखिर किसके लिए है? जब प्राण प्यारा ही चला गया तो सब दूर मिट्टी है। महारानी, एक बार वो दिख भर जाए, मैं सदा को आंखें मूंद लूं। क्या तूने अपने पी का पता लगाने की कोशिश नहीं की? कौन सी कोशिश बाकी रखी मैंने? मैं काशी घूमी, प्रयाग घूमी, केदारनाथ तक छान मारा, 64 तीर्थ, 9 बनखंड उसका नाम लेकर पुकारती फिरी, मगर ना चिरैया ने बताया ना चरिंदे ने। मैं तो अलाउद्दीन सुल्तान के बंदी घर में भी झांक आई, वहां एक कैदी को देखा, सूख कर काटा हो गया था। हाय, वो भी मेरा प्राण प्यारा ना निकला, वो तो कोई रतन सेन था। वो वहां है? तूने उनको देखा है? हाँ महारानी। क्या वो आपके पति वो महाराज रतन सेन है? वो कैसे है? अच्छे भले तो है ना? मत पूछे महारानी। देखा बंदी रतन सेन का, जले धूप में चाहन जिसको, अरे मांगे पानी मिलती, अग्नि पड़ती है नित लेती चटनी, हो पर राजा धीरज का पक्का, कैसा ही लगता हो धक्का, अब तक कोई झुका तोड़ न पाया, ऐसा सच्चा है।
चल, मैं जोगन बन के जाऊंगी, मैं उनके अभाव में नहीं जी सकती, मुझे वहां ले चल अभी इसी समय। महारानी आप क्या कह रही हैं? आप अकेली दिल्ली जाएंगे, वो भी उस जोगन को लेकर? मुझे जाने दे गोरा, अब मुझसे सहा नहीं जाता। हो सकता है जोगन अलाउद्दीन की भेजी हुई कुटनी हो और धोखा देकर आपको दिल्ली ले जाने के विचार से आई हो। नहीं नहीं, वो तो एक दुखियारी, मैं जोगन के साथ जोगन बन के जाऊंगी और उन्हें मुक्त कर लाऊंगी। महारानी, जोगन का भेष तक धारण करना एक व्रत होता है, झूठ मूठ में जोगन बनना देवताओं का अपमान करना है। हम आपके चरण छूते हैं, महाराज के जीवित रहते आप ऐसा गलत काम ना करें। और हम दोनों भाइयों के होते हुए आप क्यों जाएं? जोगन कहती है महाराज को बंदी बनाकर रखा गया है दिल्ली में, तो हम ही दिल्ली पर धावा बोलकर महाराज को छुड़ा लाएंगे। गोरा, बादल, तुम ही मेरे आधार हो, तुम ही मेरे भीम और अर्जुन हो। तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, लेकिन सुल्तान के विशाल सेना के सामने तुम क्या कर सकते हो? वो सोचना हमारा काम है। हम बीड़ा लेकर कहते हैं आपके सुहाग सिंदूर की रक्षा के लिए प्राण तक दे देंगे, आप निश्चिंत रहें। बादल, जैसा कपट सुल्तान ने हमारे महाराज के साथ किया है, वैसा ही छल हम उनके साथ करेंगे। चित्तौड़गढ़ की महारानी पालकी पर सवार है। क्या महारानी यहाँ खुद तशरीफ लाई हैं? आप चाहे तो अपनी आंखों से देख ले, मगर सुल्तान को पता चल जाए कि आपने, तो आप ही जाने का नतीजा। महारानी के यहाँ आने का क्या सबब है? उनके पास चित्तौड़गढ़ के खजाने की चाबियां हैं, वो अपने हाथों से महाराज को चाबियां सौंप कर सुल्तान के महल में चली जाएंगी। फिर भी तुम बगैर सुल्तान के इजाजत के अंदर नहीं आ सकते। ये लूटूंगा पहुंचा बंदी घर, रत्न सहन को मुक्ति दिलाकर। अरे दौड़ा राजा को वह लेकर, जहां खड़ा था बादल छिप कर। दोनों घोड़े पर सवार हो, उड़े किना उन पर प्रहार हो। गोरा ने तलवार संभाली, बोले योद्धा थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जो अलाउद्दीन की मौत के कुछ साल बाद गद्दी पर बैठा, शायद अलाउद्दीन से प्रेरणा लेकर एक केंद्रित हिंदुस्तानी निजाम कायम करना चाहता था। इतिहास में वो एक विवादास्पद व्यक्ति माना जाता है। कुछ लोग उसे आदर्शवादी और दूरंदेश मानते हैं, कुछ उसे पागल मानते हैं।
ये दीवाना सुल्तान 25 साल यानी 1351 ईस्वी तक हुकूमत करता रहा। हैरत होती है कि अवाम अपने शासकों की बदमाशी, जुल्म और अयोग्यता को किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है। बहरहाल, जनता की ताबेदारी के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सल्तनत को बर्बाद ही कर डाला। मोहम्मद के बाद उसका भतीजा फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। दक्षिण या पूरब के हारे हुए सूबों को वो वापस जीत नहीं सका, लेकिन उसने निजाम को टूटने से बचाया। फिरोज शाह ने 47 साल तक राज किया। उसके बाद जिस सूत्र से निजाम बंधा था वो बिखर गया। कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी और छोटे छोटे शासक अपना अपना राज चलाने लगे। फिरोज शाह की मौत को 10 साल भी न हुए कि तुर्क मंगोल हमलावर तैमूर ने दिल्ली शहर और दिल्ली सल्तनत दोनों को बर्बाद कर दिया। उजड़ी दिल्ली फिर से आबाद होने लगी और 50 साल में एक मरकजी सल्तनत की राजधानी बन गई, जहां से एक सुल्तान अपने हुक्म को चलाने लगा। मगर दक्षिण, पश्चिम और पूरब के बड़े राज्यों के मुकाबले में दिल्ली अब एक छोटी सी रियासत थी। इस दौर को मुस्लिम दौर कहना उतना ही गलत होगा जितना बरतानियों के आने को ईसाई दौर। इस्लाम ने हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया, वो तो कई सदियों पहले आया था। एक तुर्की हमला हुआ, एक तुर्क अफगान हमला हुआ और फिर एक तुर्क मंगोल या मुगल हमला हुआ। बाद वाले दो हमले महत्वपूर्ण साबित हुए। अफगान को तो हम एक सरहदी हिंदुस्तानी गिरोह मान सकते हैं और उनके दौर को हिंद अफगान दौर कहना चाहिए। अपनी इच्छा से या हालात के वजह से तुर्क अफगान शासक और उनके साथ आने वाले हिंदुस्तान में घुल मिल गए। उनके खानदान पूरी तरह हिंदुस्तानी हो गए। इस मुल्क में उनकी जड़ें जम गईं और वो हिंदुस्तान को अपना वतन और बाकी दुनिया को विदेश समझने लगे। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। महता हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना।